तो गुरुलोग अपने एमसीयू के अंदर काफी सारी ट्रिलॉजीज है, जैसे कि आयरन मैन की, कैप्टन अमेरिका की, थॉर की, एंटमैन की और अपने वुल्वरिन की, गार्डियंस की। और इनमें से कुछ ट्रिलॉजीज काफी ज्यादा अच्छी है और कुछ एवरेज है। तो इन्हीं ट्रिलॉजीज को आज मैं रैंक करने वाला हूँ कि कौन है सबसे ज्यादा बेस्ट। और ये वीडियो दो पार्ट में आने वाली है, क्योंकि एमसीयू के अंदर काफी सारी ट्रिलॉजीज है जिसको एक वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं 5 ट्रिलॉजीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एमसीयू की काफी बेस्ट ट्रिलॉजीज में से एक है। और बाकी ये बची ट्रिलॉजी मैं कल की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो 5वें नंबर पे आती है एंटमैन की ट्रिलॉजी। और ये जो ट्रिलॉजी है ये बाकी सारी ट्रिलॉजी से एवरेज है, क्योंकि इसकी दो मूवी तो काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन जो तीसरी आई थी उससे हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा थी, लेकिन उसने उतना डिलीवर नहीं करा, क्योंकि उसके तीसरे पार्ट के अंदर हमें कैंग द कॉन्करर देखने को मिलने वाला था एमसीयू के अंदर पहली बार। और ये मूवी चाहती तो उसे अच्छे से सेटअप कर सकती थी, लेकिन ये मूवी ऐसा नहीं कर पाई। इसके अंदर के VFX CGI काफी ज्यादा कमजोर रह गए, लेकिन अगर इसको छोड़ दो, इसके दोनों पार्ट काफी ज्यादा बढ़िया है और इसकी एक मूवी की वजह से इसकी रैंक नीचे आ गई है, इसीलिए 5वें नंबर पे आती है। और 4थे नंबर पे आती है थॉर की ट्रिलॉजी। अब देखो, वैसे थॉर के पास 4 मूवीज है, लेकिन चारों मूवीज मिलकर भी थॉर को उतना फैन बेस नहीं दे पाई थी जितना कि उसकी थॉर रैग्नारोक ने दी थी। और वैसे भी लोग थॉर को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन थॉर की मूवीज को नहीं, क्योंकि जो थॉर से एक्सपेक्ट करते हैं वो उसकी मूवीज के अंदर डिलीवर नहीं हो पाता, क्योंकि थॉर जो है वो एकदम पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन 11th Thunder के अंदर से कॉमेडियन बना दिया गया था और उससे थॉर की इज्जत और उसकी मूवीज काफी ज्यादा नीचे चली गई थी। और उसकी एक मूवी छोड़ के जो कि थॉर रैग्नारोक है, उसकी बाकी तीनों मूवीज फैंस के ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाई और ना ही उन्हें अच्छी लगी थी, इसीलिए 4थे नंबर पर आती है। और 3रे नंबर पर आती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की ट्रिलॉजी। अब ये ट्रिलॉजी काफी ज्यादा पॉपुलर है फैंस के बीच में, क्योंकि इसके अंदर जो इनकी स्टोरी लाइन के विजुअल इफेक्ट्स होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा खासा कमाल कर रखा है। अब फैंस इन्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इस मूवी की राइटिंग अच्छी है, इनका डायरेक्शन अच्छा है और इनके मूवीज के अंदर कॉमेडी भी होती है और एक्शन भी होती है, सबका एकदम बैलेंस बना हुआ है। और एक अच्छे बैलेंस और एक परफेक्ट डायरेक्शन की वजह से ये ट्रिलॉजी काफी ज्यादा पॉपुलर है फैंस के बीच में और इनकी रैंक भी बाकी ट्रिलॉजी से ऊपर है, जो कि 3रे नंबर पे। और 2रे नंबर पे आती है अपनी कैप्टन अमेरिका की ट्रिलॉजी। अब देखो, ये ट्रिलॉजी काफी ज्यादा फेमस है कि किसके अंदर अपने कैप्टन अमेरिका है, और कैप्टन अमेरिका को शुरू से ही लोग पसंद करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि अपना बुढ़ाऊ एकदम नियम कानून से चलने वाला आदमी है, वो कभी भी गलत काम नहीं करता। और इसके तीनों की तीनों मूवीज ने काफी ज्यादा कमाल कर रखा था, जहां इसके दूसरी और तीसरी मूवीज ने तो काफी ज्यादा बवाल से ही मचा दिया था। इसकी विंटर सोल्जर मूवी के अंदर हमने अच्छा खासा ग्राउंडेड लेवल की स्टोरी और एक्शन देखा था, और इसके तीसरे पार्ट के अंदर हमने एवेंजर्स को आपस में लड़ते हुए देखा था, और इसीलिए ये मूवीज फैंस के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है अपने कैप्टन अमेरिका की वजह से और इसकी स्टोरी लाइन की वजह से, और इसकी रैंक भी बाकी ट्रिलॉजी से काफी ज्यादा ऊपर है। और पहले नंबर पर आती है अपने आयरन मैन की ट्रिलॉजी। देखो, इस ट्रिलॉजी ने बाकी सारी ट्रिलॉजी से काफी ज्यादा पैसे कमा कर दिए हैं अपने मार्वल को, और इसी आयरन मैन की वजह से एमसीयू आज यहां पर है और उसी ने उसकी शुरुआत करी थी। और इसीलिए जब भी अपने मार्वल वाले आयरन मैन की मूवी के ऊपर काम करते हैं तो उसके ऊपर अच्छा खासा पैसा लगाते हैं, उसकी स्टोरी के ऊपर, उसके डायरेक्शन के ऊपर, उसके एक्शन, उसके विजुअल्स के ऊपर, क्योंकि जो लोग आयरन मैन से एक्सपेक्ट करते हैं वो उन्हें मिल सके। और इसीलिए ये ट्रिलॉजी अभी तक पहले नंबर पर रैंक करती आई है पूरे एमसीयू के अंदर। तो गुरु लोग, ये थी कुछ 5 ऐसे ट्रिलॉजीज जो कि मैंने भी रैंक करी है। बाकी आपकी क्या रैंकिंग है इन मूवी की, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट कल आने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।